सीरियल एक थी रानी एक था रावण में मयूरा बनी रानी एक एक कर अपनी कोशिशों में कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। रिवाज को बर्बाद करने के मकसद से लौटी मयूरा ने आज फिर से एक ऐसी चाल चली है कि किसी भी हाल में रिवाज इस चाल से बच नहीं पाएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रिवाज भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और एक सेलिब्रिटी की इमेज दुनिया वालों की नजरों में क्या होती है ये एक सेलिब्रिटी से बेहतर और कौन जान सकता है। देखिए ना, जो रिवाज नहीं चाहते थे आखिर उनके साथ वही हुआ। दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवाज के ड्रिंक में मयूरा मिला देती है नशीली दवाई जिससे रिवाज अपना आपा खो बैठते हैं और मीडिया वालों के साथ करने लगते हैं बदतमीजी। जब रिवाज अगर कुछ करेगा तो गलत ही करेगा, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि उसकी इमेज को सुधारने के लिए थी। यहाँ पे भी उसने हंगामा कर दिया है और सभी रिपोर्टर्स को गालियाँ दे के बाहर निकाल दिया, विच इज़ अ बैड थिंग। तो बस यही सब हो रहा है। आज एक्चुअली बच्ची को पहली बार सामने लेके आ रहा था बट नशा कुछ ऐसा कर लिया है कि रिपोर्टर्स के पीछे पड़ गया। लेकिन रिवाज की भी भला क्या गलती, नशीली दवाई की वजह से रिवाज नशे में इतने धुत हैं कि वो अपनी हरकतों से ही अनजान है। वो तो नशे में है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो फ्लर्ट भी कर रहा है मयूरा के साथ, सबके सामने, मीडिया के सामने, गालियाँ भी मीडिया को दे रहा है, तो ही डजंट नो, कॉन्शियस नहीं है। वैसे नशे की इस हालत में जहां एक तरफ रिवाज ने मीडिया वालों से बदतमीजी की है वहीं दूसरी तरफ मयूरा से रिवाज फ्लर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो क्या रिवाज को होने लगा है मयूरा से प्यार या फिर माजरा कुछ और है? इश्क तो नहीं हुआ अभी, पर हाँ इंप्रेस्ड है, मेस्मराइज्ड है और धीरे धीरे चीजें प्यार पे पहुंच जाएंगी। वेल, रिवाज की इस बदतमीजी से उनके करियर पर अब मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिवाज को और किन किन मुसीबतों में फंसाती है मयूरा। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट E24।